श्योपुर में आज वाल्मीकि समाज के महावीर वाल्मीकि संयुक्त मंत्री अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा नवीन सीएमओ मधुसूदन श्रीवास्तव का माला और साफा बांधकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने स्वागत सत्कार किया और वाल्मीकि समाज के लोगों ने कई प्रकार की मांगे रखी जो उनके समाज के लोग सफाई कर्मी हैं और उनके समय पर वेतन दिए जाएं और जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको एक साल हो गया लेकिन उनका भुगतान नगर पालिका द्वारा अभी तक नहीं किया गया। कर्मचारी संघ की तरफ से वाल्मीकि समाज के लोगों ने यह भी मांग रखी है कि लोगों को समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। उनके लोग जो सफाई कर्मचारी हैं 5,000 में नगर पालिका में काम कर रहे हैं उनके बारे में भी उनको समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। सारी मांगे वाल्मीकि समाज के लोगों ने सीएमओ के सामने रखी। महावीर घेंगट कार्यकारिणी सदस्य दिनेश धूलिया अजय वाल्मीकि विष्णु वाल्मीकि मनीष वाल्मीकि आदि सदस्य उपस्थित रहे। श्योपुर से गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। सीएमओ का स्वागत किया तो मतलब किस उद्देश्य से किया क्या है? श्योपुर की धरती पर पधारे हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी मधुसूदन जी श्रीवास्तव साहब का श्योपुर की धरती पे हमने स्वागत किया है वाल्मीकि समाज की ओर से और हमारे कर्मचारी संगठन की ओर से अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संगठन की ओर से। हमने उनसे कई मुद्दों पे बात भी करी है और मांग ये रखी है कि श्रीमान जी यहाँ पे तनख्वाह एक तो टाइम पे मिलना चाहिए हमारे कर्मचारियों को। दूसरी मांग ये रखी हमने कि जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको बिचारों को एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल हो गए अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ चक्कर लगा रहे। तीसरी मांग रखी है समान काम समान वेतन। जो भी हमारे लड़के लग रहे हैं 5,000 रुपये में बंधवा मजदूर करके सरकार ने तो इनकी भी हमने एक बात रखी है और मैं सीएमओ साहब से और कलेक्टर साहब से पुरजोर निवेदन करता हूँ कि महंगाई के दौर में 5,000 में कुछ नहीं होता और इनकी तनख्वाह समान काम समान वेतन के तौर पर बढ़ाई जाए। इसके लिए मध्य प्रशासन से भी हमारा संघर्ष जारी है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का। तो मध्य प्रदेश में बेकायदा निरंतर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और भाजपा सरकार को बार बार हम आग्रह भी कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं कि समान काम समान वेतन किया जाए और अनुकंपा वगैरह टाइम पे दी जाए और जो परिवार रिटायरमेंट हो रहा उसके व्यक्ति को एक को संविदा पर रोजगार दिया जाए और जो ये खेल चल रहा है बंदर बांटवाड़ा वो खत्म होना चाहिए और एक प्राथमिकता होना चाहिए कि किस तरीके से आदमी को लगाना चाहिए और किस तरह से हटाना चाहिए या उसको एक प्राथमिकता होना चाहिए। ये आ रहा है वो जा रहा है सरकारियों में भी कई अभी वर्दी के नाम पे भी नाटक नौटंकी चल रहे हैं फर्जी तरीके से पेमेंट हो रहे हैं फाइलें चल रही है कोई दणी दोरी नहीं है। कुछ अधिकारियों ने सरकारी कुर्सियाँ भी मंगवा ली जो घरों पर भिजवा दी नगर पालिका पेमेंट कर रही है। कुछ अधिकारियों ने कूलर मंगवा लिए कूलर मंगवा कर घर पर भिजवा दिए नगर पालिका में कुछ नहीं है। तो ऐसा ही है जो खेल है और जो जल जाते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बाद भी ये लोग उन कूलरों को कुर्सियों को रख के रख में ले जाते हैं। सरकारी माल होने के नाते उनको जमा करना चाहिए लेकिन कोई जमा नहीं करता सब अधिकारी ट्रक भर के ले जाते हैं। तो ये खेल है इस तरीके का खेल रुकना चाहिए। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है। जय भीम जय भारत।